हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेंद्र अलावत दोबारा जुबा साउथ सूडान से। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक नई जगह पे जिसका नाम है मंगाला, जो कि 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर के करीब यहाँ से है जुबा से। सो अनीता, कैसा सफ़र लग रहा है अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है जुबा को देख के। तो जैसा जुबा में है ना, जुबा है तो अच्छा, बहुत बढ़िया बना हुआ है आपको, बट इस तरह का नहीं है ना। जो यहाँ की सड़कें बनी हुई है, आने जाने का है, बहुत बढ़िया, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे इस एरिया में देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट बहुत हो गई है। सामने अगर मैं दिखाऊंगा आपको, काफी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बने हुए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां कुछ मैं देख ना पा रहा हूँ। पता नहीं अंदर क्या है वहाँ पे क्या नहीं, बट उस हिसाब से डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा है। टर्केगा के हिसाब से वाइड एरिया है ना, बहुत वाइड है। फाइनली हम लोग मंगाला में हैं इस टाइम पे। ये मार्केट है और ये मंगाला का टाउन। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस टाइम मंगाला टाउन के अंदर हैं। ये इस तरह का टाउन का कुछ व्यू है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। एक राउंड लगा के लाता हूँ आपका, दिखाता हूँ कहाँ पे कैसी मार्केट है इनकी। दे हैव लोकल ओकरा, वाओ, जो हम लोग भिंडी खाते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी भिंडी है यहाँ पे। ओके, इसको ये लोग ओकरा बोलते हैं। दिस इज़ अ लोकल मार्केट। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल बना के रखे हैं लोगों ने, जिस हिसाब से लोगों की कैपेसिटी है उस हिसाब से यहाँ पे सामान रखते हैं, जो कि ज़रूरी ज़रूरी जो चीज़ें हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे फ़िश हैं, ये एक्चुअली इन्होंने सुखा के रखी हुई हैं, और अलग अलग तरह की जो फ़िश हैं इस तरह के सुखा के ये लोग बेचते हैं। ये बहुत यहाँ पे चलती हैं, अलग अलग किस्म की हैं। ऑल ड्राइड फिश दे हैव मेक देम ड्राई एंड देन दे कीप ऑन ईटिंग इट फर्दर। दिस इज़ हाउ दे ईट। This is just one fish. This is one fish, or they are so. This is one fish. Only one fish. Only one fish. How much they are selling it? 3,000. ये 3,000 pound की बेच रहे हैं, यानी कि आपके हो गए $6. $6 में एक ये बेचते हैं। Okay. So इस तरह की market यहाँ की fish market, और ये सब ladies इसको बेच रही हैं। Friends, ये first experience है हम लोगों का इस तरीके से किसी मार्केट में घूमने का। ओपनली घूम रहे हैं, ओपनली हम लोग घूम नहीं सकते कहीं पे भी, जहाँ पे भी जाते हैं इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ भी फिल्म नहीं करने देते। तो हमें मौका मिला यहाँ पे फिल्म करने का, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं आपको मार्केट के बारे में, किस तरह की मार्केट है यहाँ पे, कैसे लोग। आज हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं आर्मी वाला पर्सन है, इसलिए हम घूम रहे हैं। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, हम उसे शूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक अपना नया एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे जुबा जैसी जगह में मार्केट में घूमना, सच में। चलिए आपको और दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह की मार्केट है। वेलकम मामा। सो दे डोंट हैव एनी सॉल्ट, सो यू नीड टू जस्ट। और ये जो मक्की एक्चुअली व्हाइट कलर की होती है, इंडिया में होती है वो येलो कलर की होती है। अच्छा है, मीठा है। तो ये जो अभी इन्होंने दी है $2.50 की दी है, सॉरी 250 पाउंड की दी है, यानी कि आधा डॉलर की। और अनीता साउथ सूडान में पहली बार मक्की खाते हुए पूरा मजा लेते हुए मक्की। यू ऑल्सो ईट लाइक दिस, और इट इज योर फर्स्ट टाइम यू आर ईटिंग लाइक दिस? यू ऑल्सो ईट? ओके, from the growing the thing when the rain is starting raining, you will just start digging this one first. Okay. After that you just starting in July. Okay, let's move. It is the first food in July. Okay. ये कुछ रेस्टोरेंट्स यहाँ के मंगाला में जहाँ पे लोकल फूड वगैरह मिलता है, छोटी सी मार्केट है। म्यूज़िक आपको हर जगह सुनाई दे जाएगा, बिकॉज म्यूज़िक के बड़े शौकीन हैं। आगे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं यहाँ पे इसको घूमते हुए मंगला में। ओके, ये इसके एरिया से ही है, और मंगला में जाके एमा को अपने फ्रेंड्स मिले हैं यहाँ पे, जहाँ से बिलोंग करता है उसी एरिया से ये लोग हैं।
अनीता को एक शॉप नज़र आई है जहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल जो इनके कपड़े हैं, ये बेसिकली मुंडारी ट्राइब जो है वो पहनते हैं इस कपड़े को, तो इसको कुछ स्कर्ट्स वगैरह पसंद आए हैं। यहीं पे एक्चुअली स्टिच करते हैं ये लोग, और जो इनकी मुंडारी ट्राइब है वो इसको पहनती है। सो अनीता इज फाइनली गॉट मेड टू स्कर्ट्स, इट्स अ मुंडारी कल्चर स्कर्ट विच शी हैज गॉट इट फ्रॉम हियर फ्रॉम मंगला। फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं एक लोकल रेस्टोरेंट में मंगला के, जहाँ पे हमारे सब भाई लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं, और एक ही थाली में एक्चुअली सारे लोग खाना खाते हैं, जो कि बहुत बड़ी थाली होती है, चाहे तीन हो चाहे चार हो, और उसके अंदर चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, जब एक साथ खाना खाने का टाइम आता है तो सब एक ही थाली के अंदर खाते हैं। ये है रिबन नाइफ जो जुब्बा से आ रही है, जुब्बा में भी थी ये, हमारे साथ प्रकेका में भी थी, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहीं हमें ये मिल रही है। बच्चे देखना कैसे आ रहे हैं, बच्चे पीछे सारे जो, ये मेरे भाई है। इस भाई की जो हाइट है 6.5 फुट से ऊपर है। और अनीता कैसे देख रहे। तो ये जो भाई लोग हैं ये इतने 7-7 फुट के होते हैं, और अनीता देखो कहाँ स्टैंड कर रही है, अनीता उसके कंधे पे भी नहीं आ रही। तो ये भाई लोग इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं। एमा भी जो है उसके सामने बहुत छोटा। अगर पीटर से भी ऊंचा है। ये जो हाइट है यहाँ पे एक्चुअली ये इससे भी लंबे लंबे लोग हैं। ये देखो भाई, इनसे भी ऊंचा है, ऊंचे है ना, आप हैं 6 फीट और ये है। पीटर भाई थे जिन्होंने हमारे को यहाँ पे मंगला का विजिट कराया, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, और होप हम लोग दोबारा से यहाँ पे आके मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, शुक्रिया।